हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो वैकेंसी आया है GDS डाक सेवक का, उसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत लोगों का कमेंट आया कि डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है, जिसका 18 प्लस हो गया है उसका भी फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि 18 प्लस वालों का भी फॉर्म, कुछ कुछ कैंडिडेट का कमेंट आया है कि उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। इसका फुल डिटेल आप नोटिफिकेशन का वीडियो चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका स्टेट वाइज कितना वैकेंसी है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का बात करें तो देखिए, यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल आपका 23 स्टेट दिया हुआ है। 23 स्टेट का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे अपना क्लिक करके अपना राज्य में कितना वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, चाहे बात करें अनरिजर्व का, OBC का, SC और ST का, सारा वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे कितनी सिटी है, किस राज्य से आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है, कहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, इसका हम सेपरेट वीडियो एक लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस राज्य से आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, कहाँ पे जो सिलेक्शन का जो चांस है आप लोगों का वो बहुत ज़्यादा है, उम्मीद ज़्यादा है, तो वो सारा बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में हम करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का सारा इसमें हम आपको बताएंगे। तो सारा कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपका रजिस्ट्रेशन करना है, और फाइनली लास्ट आपका जो पेज है वो कैसे प्रिंट करना है, कैसे आपका फीस पेमेंट करना है, कैसे अपना सारा डिटेल करना है, सारा कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये लिंक जो आपको जिस लिंक पे अभी मैं हूँ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लिक करके आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे वीडियो में बताया गया वैसे आपको सिंपल करके आपको अप्लाई करना है, कोई भी गलती नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका अलग अलग सेक्शन भी बना हुआ है। सबसे पहला सेक्शन आपको नोटिफिकेशन का देखने को मिलेगा, स्टेज वन में आपको रजिस्ट्रेशन का देखने को मिलेगा, स्टेज टू में आपको फिर उसका फीस पेमेंट करना है, फीस पेमेंट करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट में आपका कैंडिडेट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आपका ये नोटिफिकेशन जो था वो 2 मई को रिलीज कर दिया गया था, और लास्ट इसका डेट है वो 5 जून तक रखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन हमको करना है, तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा कि रजिस्ट्रेशन का और फॉरगेट पासवर्ड का। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उन्हें अपना पासवर्ड अगर याद नहीं है तो आप फॉरगेट वाले पासवर्ड पर क्लिक करके भी अपना पासवर्ड को दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को करना है क्या, रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखा होगा। तो एक बार आपको शॉर्ट टर्म में पढ़ लेना है कि प्लीज़ गो टू थ्रो दी डिटेल इंस्ट्रक्शन एट होम पेज बिफोर फिलिंग दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आपको डिटेल में इसका जो नोटिफिकेशन है उसको रीड कर लेना है। प्लीज़ नोट दैट दी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन किए आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। वन कैंडिडेट शुड ओनली वन रजिस्ट्रेशन, एक कैंडिडेट सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आफ्टर कंप्लीट दी रजिस्ट्रेशन प्लीज़ नोट डाउन दी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कीप इट सेफ फॉर फर्दर रेफरेंस। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना आगे की प्रोसेस के लिए। वन मोबाइल नंबर विथ ओनली वन रजिस्ट्रेशन नंबर, एक मोबाइल से एक बार ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और फी आईडी, यहाँ पर अगर जो लोग भी फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर ही उनका भूल गए हैं तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारा डिटेल देखिए, यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे फिलअप करके आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। देखिए सारा कुछ आपको यहाँ फिलअप करना है, उसके बाद लास्ट आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे जैसे मैं करते जाऊँ तो आप लोग भी साथ साथ अपना फॉर्म फिल करते चलिए जो लोगों ने नहीं किया है। तो देखिए मैंने सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया है, जेंडर वगैरह, नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। एक बात का आपको ख्याल रखिएगा कि एक बार रजिस्ट्रेशन एक बार आपका मोबाइल नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है, एक मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन। आपका ईयर ऑफ पासिंग सारा कुछ मैंने एक कैंडिडेट का फिल कर दिया, फाइनली यहाँ कैप्चा फिल कर दिया। अब सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मेरे सामने आ जाएगा। ये मौका आपको नहीं गंवाना, ऐसा नहीं करना है कि आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देखते देखते डेट जो आपका पार हो जाएगा। तो चलिए सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करते हैं।
सबमिट वाले पे बटन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वैलिडेट करना है साथ में। कैसे वैलिडेट करना है? कुछ नहीं, मोबाइल नंबर आपको पुटअप करना है, उसके बाद आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वहाँ पर फिल कर देना है। सेम प्रोसेस आपका ईमेल आईडी पर भी करना है। ईमेल आईडी, जिस आप ईमेल आईडी को पुट किए उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर पुट कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए, जब उस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको ऐसा शो होगा कि मोबाइल नंबर इज़ वैलिडेटेड सक्सेसफुली और ईमेल आईडी भी सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। जब तक ये प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं करोगे, फर्दर आपका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन ये तभी होगा जब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ही वहाँ पर लिखा हुआ कि एक नंबर और एक ईमेल आईडी से आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं करना, मोबाइल नंबर का ओटीपी प्लस आपका ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पे पुट करना है। आप चलिए सबमिट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट हम फर्दर को प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप को हमको कंप्लीट करना है। तो देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा सामने ऐसा आपका पेज ओपन हो जाएगा कि प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल बिलो। क्या है? आधार नंबर आपको पुट करना है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से वो पुट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज स्टडी इन क्लास 10 में कौन सा लैंग्वेज आप पढ़ाई किए हो, आप एम्प्लॉयड वाले हो तो उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, वेदर एम्प्लॉयर एनओसी इज अवेलेबल है तो वो डिपार्टमेंट को फिल करना है। उसके बाद आपको अपलोड फोटो फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आपको आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद इंटर दी टैक्स बिलो, या उसके बाद कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करके फिर प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू मतलब होता है कि आपने जो भी डिटेल फिल किया वो सही है या फिर गलत है, वो आपको देखना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे एक आपको डिक्लेरेशन का मिलेगा, यहाँ पे टिक कर देना है कि आपने जो भी डिटेल डाला है वो सारा सही है। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए, सारा डिटेल करके फटाफट फिल करिए, आप भी सावधानी से अपना डिटेल फिल करते रहिए साथ में। तो देखिए, यहाँ सारा डिटेल आपको फिल हो गया, या आपका आधार नंबर मैंने फिल कर दिया और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नो है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो क्लास 10 में था, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कौन कौन सा लैंग्वेज दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए असमी, बंगाली, बोडो, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, आप जो भी लैंग्वेज को जानते हो। तो मैं हिंदी इंग्लिश जानता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। आप लोग फिर से देख सकते हो सेलेक्ट हुआ कि नहीं। देखिए, दो में टिक है, उसके बाद ओके का साइन है, आप पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप इम्प्लॉय अगर हो तो यस, वरना आपको नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर ये अपलोड करके कैप्चा फिल करके डिक्लेरेशन में क्लिक करके उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। तो देखिए, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, ये रजिस्ट्रेशन प्रिंट जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये आपका फाइनल प्रिंट नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फाइनल प्रिंट नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। फर्दर जो भी प्रोसेस होगा, आगे का जो भी प्रोसेस होगा, वो आपका इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट का नेम आ गया, फादर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, या जेंडर आ गया, किस कैटेगरी से वो अप्लाई किया है, कौन सा स्टेट है, 10th कब पास हुआ, आपका लैंग्वेज क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो इस तरह का देखने मिल जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रिंट है। देखिए, आपको यहाँ पे ऊपर में लिखा मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रिंट। अब चलिए, इसका बाद का प्रोसेस हम लोग करेंगे जो है आपका फीस पेमेंट का, ठीक है। चलिए, फीस पेमेंट का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हम आए हैं अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से हम आपका नेक्स्ट जो था हमारा नोटिफिकेशन देख लिए। अब फर्स्ट स्टेज आपका क्या था, रजिस्ट्रेशन, वो फाइनली हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि आपका स्टेज टू, जिसमें फीस पेमेंट है, उसके बाद हम लोग ये स्टेप को कंप्लीट करने के बाद फिर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलिए, आप फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो हमें ऑनलाइन पे करना है, तो ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए, आपको डायरेक्ट चले जाओगे आप फीस वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल करने के बाद जब आप इसे जूम करके देखोगे, मैं ये फॉर्म जो है बिल्कुल मोबाइल से भर रहा हूँ, आप भी भर सकते हो मेरे जैसा। कोई कैफे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे,
देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सारा कुछ डाल दिया तो सारा बायोडाटा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा अभी थोड़ी ही देर में मेक पेमेंट पर आप क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, कम्युनिटी और अमाउंट कितना आपको पेमेंट करना है, ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए अगला नेक्स्ट स्टेप आ गया आपके सामने। मैंने बोला था कि मोबाइल नंबर आ गया आपका और आपका नेम कि जो कैटेगरी से आप अप्लाई किए होंगे वो कैटेगरी, और फाइनली कितना अमाउंट आपका सबमिट होगा वो यहाँ पे लिखा है। नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करोगे तो आपका 10 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन का चार्ज कटेगा। ठीक है, तो मैं आपका नेट बैंकिंग से नहीं करूँगा, देखिए अदर किस मोड से मैं करता हूँ आपके सामने है। यहाँ पर स्क्रॉल करके जैसे हम नीचे जाओगे मेक पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इसमें क्लिक करके आपको पेमेंट पे चले जाना है। क्लिक करोगे आप तो आप सीधे पेमेंट वाले पेज पे आपको चला जाएगा। देखिए आपके सामने ऐसा आ गया। ठीक है, आप इन सारे मेथड में से किसी एक मेथड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश, QR या फिर UPI। तो मैं UPI से करता हूँ। ठीक है, तो UPI पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए UPI आपका सेलेक्टेड है और मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने फाइनल आ गया प्रोसीड विथ पेमेंट। आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही आपको जो है यहाँ पे फाइनल आ गया। देखिए पेज जो है था वो खुल गया कि अपना यहाँ पे UPI आपको यहाँ पे मेंशन करके मेक पेमेंट में क्लिक कर देना है। तो आपको सेम ऐसा ही प्रोसेस करते जाना है नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप। तो फाइनली देखिए मेरा पेमेंट जो था वो डन हो गया, और मैं जब पेमेंट कर रहा हूँ तो टाइमिंग आप देख लीजिए 12:34 हो रहा है रात का। ठीक है, रात का कितना 12:34 पे मैं ये वीडियो बन रहा है और इतना टाइमिंग में मैंने पेमेंट किया है। देखिए डिपार्टमेंट फॉर पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद देखिए थैंक यू, यहाँ पे मैसेज भी आ गया है आपका और मेरे इनबॉक्स में भी मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट हो गया। योर पेमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल रिकॉर्डेड, प्लीज़ क्वेट योर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर ऑफ एनी क्वेरी रिलेटेड टू दी रिक्वेस्ट। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप तो देखिए यहाँ पे फीस का ID आपका, ये आपका ID हो गया, और सर्विस नेम आपका GDS रिक्वायरमेंट 100 रुपीज़ का जो फीस लग रहा वो, और मेरा रेफरेंस नंबर, यहाँ पे जेंडर आपको मेल दिख जाएगा, बैंक रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप आप आराम से ऑनलाइन UPI के माध्यम से भी, मैंने UPI के माध्यम से किया ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ पे, तो सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। तो चलिए हमारा एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो पेमेंट का था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने नोटिफिकेशन भी देख लिया, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, पेमेंट भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस और अप्लाई, तो अप्लाई हमको करना है तो अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सर्किट डालना है, उसके बाद आपको सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल लेता हूँ। आप भी अगर मेरे साथ साथ चल रहे तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के नेक्स्ट जो आगे का प्रोसेस है फॉर्म फिलअप का वो भी कंप्लीट करिए। तो फाइनली मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया और सर्किट डाल लिया। अब सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सबमिट वाले बटन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखिए क्या बोला जा रहा है, एक OTP आपको सेंड हो रहा है। OTP सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, इस मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जा रहा है। तो देखिए मैंने उस OTP को फिल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे तो मेरा जो था रजिस्ट्रेशन भी हो गया, फीस भी पेमेंट हो गया। अब जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म था ऑनलाइन अप्लाई का वो मेरे सामने देखिए, एड्रेस डिटेल, उसके बाद जो मैंने फर्दर पहले डिटेल डाला था उसका, उसके बाद देखिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा, बस इतना ही काम करना है। तो चलिए फटाफट इस स्टेप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये सब सारा डिटेल आपको एड्रेस जैसे मैंने फिल किया वैसे आपको फिल कर देना है। अगर आपका
ये जो परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस जो सेम है अगर, तो आपको यहाँ पे सेम वाले बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए, और एजुकेशनल का बात रहा तो आपको ऐसे एक एक करके सारा जो है सबमिट करना है। 100 में कितना मार्क्स आपका था, जिस जैसे जैसे उस कैंडिडेट का मार्क्स उसने बताया वैसे मैंने सारा यहाँ पे पुटअप कर दिया है। ठीक है, 100 में आपके 73, 78, 93 इस तरह करके मार्क्स आपको ऐड करते जाना है अपना। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बताया गया है कि CGPA में आपका जो नंबर है वो अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको यहाँ पे जो है भी ब्लैंक छोड़ देना है। आपको वहाँ पे परसेंटेज में चेंज करके अपना मार्क्स को यहाँ पे पुट अप करना है कि यहाँ 100 में आपका कितना नंबर है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस आपका देखते हैं। देखिए यहाँ पे CGPA के लिए अलग आपका स्कोर बना दिया गया है कि देखिए, नोट इफ CGPA इज नॉट अलाउड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक। अगर आपका जो बोर्ड है वो CGPA अलाउ नहीं करता है तो इस फील्ड को आपको ब्लैंक इसी तरह छोड़ देना है। तो मैं तो जो जिस बोर्ड था इनका वो जो CGPA अलाउ नहीं करता है इसे, तो इसके लिए ब्लैंक इसको छोड़ देना है इसी तरह। चलिए नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस बढ़ते हैं। अब आपको सेव एट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। प्रोसेस आपका, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ पे आपको पूछा गया कि सेलेक्ट डिवीजन अप्लाई फॉर, तो मैंने धनबाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद धनबाद में जितना भी वैकेंसी जितना भी जगह जगह पे है वो सारा आपका सीरियल नंबर डिवीजन ऑफिस पोस्ट और पोस्ट प्रेफरेंस आपके सामने आ गया। देखिए सारा का यहाँ पे टोटल बात करें तो टोटल आपका 10 नहीं और आपका ज़्यादा है वो भी देख लेते हैं, रुक जाइए। तो उसका 1 मिनट बैक जाना होगा। देखिए यहाँ पे सारा, यहाँ पे आपको 15 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिवीज़न, जहाँ पे 15 में आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो आप अपने अनुसार आपको देख लेना है कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, जो आपके लिए सुटेबल होगा वो आपको अप्लाई करना है। टोटल 15 जगह यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 15 जगह में से किसी एक बाई पोस्ट आपको प्रिफ्रेंस डालना है कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हो। तो आपके अनुसार आप जो भी पोस्ट प्रिफ्रेंस डालोगे उसके अनुसार होगा आपका। तो चलिए सारा पोस्ट प्रिफरेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका, या देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड एलिजिबल वैकेंसी फॉर दी सेलेक्टेड डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न में कितना वैकेंसी है वो फाइनली आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट सर्किट में झारखंड, उसके बाद डिवीज़न में धनबाद। यहाँ पे देखिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, सेव एंड प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपको ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली अप्लाई हो गया है। और देखिए एप्लीकेशन जो पेज है प्रिंट वाला वो सामने आ जाएगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, एड्रेस ग्रेड आपका क्या है नहीं है सारा कुछ आपको यहाँ पे सामने में शो करेगा। ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी हो गया, सिग्नेचर भी हो गया, उसके बाद आपको जो जो डिवीज़न से आप अप्लाई किए हैं पोस्ट से वो भी आपका हो गया, डिवीज़न सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन धनबाद झारखंड ये आपका हो गया, और फाइनली प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्रिंट कर लेना है। तो सारा मैंने बताया था आपको, मैंने शुरू में ही बोला था कि शुरू से लेके अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे प्रिंट करना है आपको। ठीक है, तो चलिए प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि वो भी आपका जो जो डाउट है मन में वो दूर हो जाए। तो चलिए हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, प्रिंट भी कर लिया। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहला नोटिफिकेशन देखा, दूसरी बार में आपका रजिस्ट्रेशन किया, तीसरी बार में आपका फीस पेमेंट किया, चौथा बार में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद पांचवा में अपना पोस्ट को प्रेफरेंस डाला। आप चाहे 4 पोस्ट में प्रेफरेंस डालना चाहते हो, 5 पोस्ट में, आपके डिवीज़न में जितने पोस्ट आप सब में प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। और बहुत लोगों का कमेंट है कि 18+ होने के बावजूद भी उनका जो फॉर्म है सबमिट नहीं हो रहा, आप एक दो बार कोशिश करिए, नहीं तो 2-4 दिन के बाद कोशिश करिएगा, आपका फॉर्म जरूर से जरूर सबमिट होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में इसका कट ऑफ हम देखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्य से अलग अलग इसका कट ऑफ फाइनली कितना गया था।